जीते अपने लिए फोन सवाल नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। BSCC कार्यालय के पास और तमाम जो BSCC के अभ्यर्थी हैं वो कार्यालय को घेरने के लिए पहुंच गए। आपको बता दें, आज 25 तारीख है और आज अभ्यर्थियों ने यह ऐलान किया था कि हम आज महाआंदोलन करेंगे, और तमाम जो अभ्यर्थी देख सकते किस तरीके से वो पहुँच गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि विभाग को जवाब देना चाहिए, हम लोगों की बहाली होनी चाहिए। देख सकते हैं तमाम जो प्रशासन है वो समझा रहे हैं अभ्यर्थियों को। देख सकते हैं एक तरफ पटना पुलिस, तो दूसरी तरफ तमाम जो BSCC के अभ्यर्थी हैं वो हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से आर पार की लड़ाई है। देखना ये हो कि अभ्यर्थियों की बहाली कब तक होती है। देखिए एक बार फिर से जो BSCC की अभ्यर्थी जो हैं फिर से एक बार सड़कों पर हैं। देखिए BSCC कार्यालय के पास और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। देख सकते हैं किस तरीके से नारे लगा रहे हैं। NCL का मामला इन लोगों का कोर्ट में अटका हुआ है, जिसको लेकर ये अभ्यर्थी जो हैं वो पहुंच गए BSCC कार्यालय। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो इन अभ्यर्थियों को रोक रहे हैं, और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी हैं BSCC के हाथ में बैनर लिए हुए, लिखा हुआ है इन्होंने BSCC मेरिट दो या मौत दो। देखिए लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो दर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, बिहार की सड़कों पर रहते हैं, पटना की सड़कों पर रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो बहाली है वो नहीं होती। आपको बता दें 2014 में इन लोगों की एग्जाम हुई थी, उसके बाद पेपर लीक होने के चलते फिर से एक बार दोबारा इन लोग का एग्जाम हुआ। उसके बाद 2021 में इन लोगों की काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग होने के बाद ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बहाली नहीं हो रही है, उम्र पार हो रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी उम्र पार हो रही है। तस्वीर देख सकते हैं इस तरीके से प्रशासन जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं आगे बढ़िए, ये प्रदर्शन करने की जगह नहीं है। वहीं जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि मेरिट दो या मौत दो, क्योंकि लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो कहते हैं कि हमारी बहाली नहीं। देख सकते किस तरीके से प्रशासन से बात कर रहे जो अभ्यर्थी हैं। चलिए आप फिर बाद में नहीं बोलिएगा, आप चलिए भैया चलेंगे। देखिए जो अभ्यर्थी हैं उनको समझा रही है जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो अभ्यर्थी को कह रही है कि आगे ना बढ़िए, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि 2014 में हम लोगों का एग्जाम हुआ था, बहाली होनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बहाली नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशान है, बेरोजगार है, लेकिन कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल है। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम रोजगार दें, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग पास कर गए हैं एग्जाम को, चयनित अभ्यर्थी हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की बहाली नहीं हो रही है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पुलिस प्रशासन से भिड़ गए हैं, कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन देख सकते हैं किस तरीके से। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए यहीं BSCC कार्यालय है और यहाँ पे तमाम जो अभ्यर्थी है वो पहुंच गए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर रहते हैं। पहले की बात करें तो पहले भी इन लोगों की प्रदर्शन जो है वो होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में इन लोगों का प्रदर्शन बंद हो गया था, लेकिन फिर से ये लोग पटना की सड़कों पर उतर गए, BSCC कार्यालय पहुंच गए हैं, लगातार कह रहे हैं कि विभाग को जवाब देना चाहिए, हम लोगों की बहाली होनी चाहिए। देख सकते हैं तमाम जो प्रशासन है वो समझा रहे हैं अभ्यर्थियों को। देख सकते हैं एक तो आपने देखा जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि मेरिट दो लगातार नारे लगा रहे हैं, और तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे BSCC कार्यालय। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। पहले भी इन लोगों ने आंदोलन किया था, 2014 में इन लोगों की एग्जाम हुई थी, उसके बाद फिर से दोबारा इनका एग्जाम हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की बहाली नहीं हो रही है। NCL को लेकर भी कोर्ट में मामला अटका हुआ है। फिलहाल यह देखना होगा कि इनकी बहाली कब तक होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।